ये तो अपमानित डिमोरलाइज करने का जो काम, तो इन लोगों को किसी संवैधानिक संस्था पर सरकार को विश्वास नहीं है और संविधान से ऊपर कोई न्याय नहीं। सरकार को भी आसन का सम्मान करना चाहिए, सरकार ने आसन का सम्मान नहीं किया है। 10 साल पूरे करने वाले बिहार विधानसभा ने 14 मार्च 2022 जैसा दिन अभी तक नहीं देखा होगा। देखिए, आज का दिन काला दिन बनकर निकला जब पूरे सदन के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विजय कुमार सिन्हा को खूब हड़काया। उस वक्त हमारे साथ दरभंगा ग्रामीण से विधायक ललित यादव हैं। आज जो सदन में हुआ, विधायक जी क्या लगता है, एक बार विधायकों की पिटाई होती है, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वोच्च परी विजय सिन्हा को खूब सुना रहे थे आज? देखिए, संसदीय लोकतंत्र में और संसदीय प्रणाली में जो संविधान के तहत व्यवस्था है, संविधान और कानून से कोई बड़ा नहीं है। और ये बिहार के 13 करोड़ जनता के वो मंदिर है और उस मंदिर पर 13 करोड़ जनता का विश्वास है। उस सरकार से सदन ऊपर होता है, उसमें पक्ष और विपक्ष के सभी मान्य सदस्य बैठते हैं और सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष को हों, सभी मान्य सदस्य पूछते हैं और उस हाउस के कस्टोडियन स्पीकर होते हैं। और जिस तरह से जब स्पीकर का प्रतिष्ठा संवैधानिक पद पर बैठे हुए और सरकार के द्वारा इस तरह से, एक तरह से कहिए तो अपमानित डिमोरलाइज करने का जो काम, तो इन लोगों को किसी संवैधानिक संस्था पर सरकार को विश्वास नहीं है। और जिस तरह से जवाब सदन में गलत आए, यदि आसन सर्वोपरि है, सदस्य और सरकार के बीच में कोई मतभिन्नता होती है या कोई जवाब से सदस्य संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आसन को यह सर्वाधिकार है, वो आसन सरकार को नियमन देने का, सरकार को कहने का अधिकार है कि ये आपका जो जवाब है ये संतोषप्रद नहीं है, ये जवाब को आप इस तरह का आप इस तरह से दीजिए। ये संविधान में ये व्यवस्था है और संविधान से ऊपर कोई न्याय नहीं। सरकार को भी आसन का सम्मान करना चाहिए, सरकार ने आसन का सम्मान नहीं किया है। सरकार को, हमको लगता है, संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। लगता है ये लोग किस तरह से सत्ता में आए हैं, हम उस पर तो अभी नहीं कहेंगे, आपने दूसरे सवाल किया है। इन लोगों को आसन पर जिसको विश्वास नहीं हो, संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं हो, आप ही का अलायंस पार्टनर है और आप ही ने अध्यक्ष बनाया और आपको अपने ही बनाए हुए अध्यक्ष पर भी विश्वास नहीं है। मामला इतना आगे बढ़ गया कि विजय कुमार सिन्हा को कहना पड़ा कि आप ही बताइए सदन कैसे चलेगा, वैसे ही सदन चलेगा। वो कह रहे थे इंटरफेयर नहीं कर सकते आप सरकार के काम। नहीं, ये अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को ये सदाधिकार है और सरकार से और विपक्ष से वो ऊपर होते हैं। सदन में कोई भी नियमन देने का उसको अधिकार है। सरकार यदि गलत बयानी करती है तो उसमें सुधार करने का, सरकार को सुझाव देने का, सरकार को निर्देश देने का, और वो आसन को नियमन देने का भी अधिकार है। यदि सरकार कोई गलत जवाब दे रही है तो आसन उसको नियमन दे सकती है, ये इतना दिन में इसका जवाब करवा दीजिए, इतना दिन में आपको जवाब ये दे दीजिए। जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं सदन संतुष्ट नहीं है, तो सदन का संतुष्ट करना सरकार का काम है। यदि सरकार सही जवाब नहीं देती है तो आसन को ये नियमन देने का अधिकार है। ये मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे थे, हमको नहीं लगा कहीं से उचित। सबसे बड़ा काला दिन तो आज माना जाए, आज एक निश्चित रूप से संसदीय लोकतंत्र में और संसदीय इतिहास में ये आज काला दिन के रूप में आप देखिए। किसी भी देश के किसी भी विधानसभा में जो घटना घटित बिहार विधानसभा में हुई है, किसी देश के विधानसभा में न लोकसभा में यह घटना घटित हुई हो। पूरे घटनाक्रम के दौरान विपक्ष बहुत साथ दिखा सदन के अंदर। अब देखिए, हमारे प्रतिपक्ष के नेता है, वो भी किसी नामांकन कार्यक्रम में गए हुए हैं। हम मुख्य सचेतक विरोधी दल हैं, हम लोग भी आज सदन में नहीं है, लेकिन जब जब सदन में सदन के हमारे प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं या हम लोग रहे हैं, तो सरकार को या आसन को जो भी हुआ है हम लोग बताते रहे उनको। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हम लोग सदन में नहीं है। जो घटना घटित हुई है शर्मनाक है, कि लोकतंत्र के लिए ये काला दिन है। बिल्कुल, लोकतंत्र के लिए काला दिन है और बहुत शर्मनाक घटना है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जिस तरह से
उस मामले पर सुनवाई की, जिसको लेकर के संजय सराबगी जो बीजेपी के विधायक है उन्होंने ये मामला को उठाया था, लेकिन पूरे सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सदन पहुंचे उन्होंने कहा कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, आप इंटरफेयर सरकार के काम में नहीं कर सकते हैं। तमाम सवाल जो है आज निकल कर सदन के अंदर से आया। अपने सहयोगी डब्लू के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, दरभंगा। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।